हम निकालेंगे यर्मिया 12 उसका अगर हम एक से पढ़ें, यर्मिया की पुस्तक 12 उसका एक से हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती। समझ रहे हो, ये पहला वचन बहुत ही इस जगह पे सामर्थी और यर्मिया बात कर रहा है। यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, तेरे हर निर्णय सही है, पक्के हैं, निश्चित हैं, तो भी अगर तू मुझे मौका दे प्रभु, तो अभी अभी के जो तेरे निर्णय हैं उनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। उस समय वे क्या था, इस दौरान जब यर्मिया अपने प्रजा के बिहाफ पे जब प्रभु से निवेदन और प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उस दौरान समय से निकल रहा था, एक विपरीत परिस्थिति से निकल रहा था, ऐसी चीजें जो उन्होंने सोची नहीं थी या उनके मुताबिक नहीं थी या उनके अनुसार नहीं हुई, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा क्यों हो रहा है। अब समझ रहे हो कि नहीं, पढ़ो आगे। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है, क्या कारण है कि तू विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं, तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी और किस प्रकार रहता हूँ, जैसे भेड़ बकरियाँ घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश बिलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी, देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को ना देखेगा। समझ रहे हो, इस जगह पे यर्मिया अपने लोगों के बिहाफ पे बात कर रहा है प्रभु से, अपनी लोगों की परिस्थितियों को बयान कर रहा है प्रभु के सम्मुख। प्रभु, दुष्ट इतने फल रहे हैं पर हम लोग सही करने के बावजूद इस घटी में हैं, हमारे मुताबिक चीजें नहीं हो रही, विपरीत परिस्थितियां हमारे आगे हैं, और अब समझो और तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं, मैं सही कर रहा हूं और मैं घटी में, वो दुष्ट दुष्टता कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उसके बावजूद फल रहा है। समझ रहे हो, वो बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है जबकि मैं प्रभु बना हुआ हूं, आप में बढ़ रहा हूं, अपने स्थिरता के साथ चल रहा हूं, ऐसा क्यों? तो यर्मिया बात कर रहा है प्रभु के सम्मुख। समझ रहे हो, ये यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी और किस प्रकार रहता हूं। प्रभु, तू हमें जानता है, तू हमें परखता है प्रभु, हमारा चलना, हमारा बढ़ना, हमारा स्थिर रहना, हमारा आपको प्रथम स्थान देना, तो हमें जानता है। इस जगह पे यर्मिया निवेदन कर रहा है अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए। मुरझाए हुए हालात क्यों हैं? शत्रु दुष्ट बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, आनंदित हैं, विपरीत लोग जो प्रभु के विपरीत चल रहे हैं वो सफल हो रहे हैं और हम इस जगह पे हैं। तो विनती, ये बयान लेकर यर्मिया
प्रभु के सम्मुख। पर ध्यान दें, प्रभु का उत्तर यर्मिया को क्या था, वो आज उत्तर हमारा है जो प्रभु हमसे बात कर रहा है। प्रभु ने यर्मिया से क्या बात करी, क्या उत्तर था प्रभु का, हम पढ़ेंगे वचन 5 को। तू जो प्यादों ही के संग दौड़ कर थक गया है, जो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा, और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। समझ रहे हो, प्रभु बयान कर रहा है इस समय यर्मिया को, कहता है तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है। प्यादे वो जन थे जो जंग में पैदल चलने वाले सैनिक थे। मतलब जब भी एक युद्ध में सेना जाती थी तो सबसे पहले पैरों पर जो चलते थे, चलने वाले सैनिक आगे होते थे। वो वीक सैनिक होते थे और उनको आगे रखा जाता था आगे, ताकि अगर कोई मर भी जाए तो इतना नहीं है। जो स्ट्रांग सोल्जर्स थे वो घोड़ों पे होते थे, जो स्ट्रांग सोल्जर्स होते थे, योद्धा होते थे, वो घोड़ों पे पीछे से आकर युद्ध को लड़ते थे। तो इस जगह पे प्रभु बहुत ही सामर्थी बात बयान कर से और यर्मिया से बोल रहा है, ये तुम जो प्यादों ही से संग दौड़कर थक गए हो, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। हालेलुया। अब समझ रहे प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए, कि हम घोड़ों के साथ बराबरी करें, उनके साथ टक्कर ले, उनके साथ युद्ध करें और उनके ऊपर प्रबल होकर अपनी जय को अनुभव करें, जय के उत्सव को मनाएं। हालेलुया। प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना, प्रभु की बातें। बट आज छोटी चीजों को देखकर हम श्रमित होने लगते हैं, थक जाते हैं, निर्बल महसूस करते हैं। समझ रहे हो, प्रभु का प्लान है कि हम घोड़ों के संग, घोड़ों के ऊपर, घोड़ों वाले योद्धाओं के ऊपर प्रबल हों। पर प्रभु कह रहे हैं कि तू वहां पे, मैं तुझे कैसे प्रबल करूं, तुम लोग यहीं पे श्रमित हो गए हो, यहीं पे प्यादों के स्मुखी। जरा सी थोड़ी सी फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, हम प्यादों के सामने ही निर्बल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जरा सा किसी ने बोल दिया उल्टा, हम निर्बल हो जाते हैं, हम प्यादों के सामने ही सरेंडर कर देते हैं, जबकि प्रभु ने हमें घोड़े के योद्धाओं के ऊपर प्रबल होने के लिए ठहराया है। अरे आपको समझ रहे हैं कुछ मैं बोल रहा हूं, आज मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, जिसको आज आपको गहराई से लेना है। हालेलुया। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तू घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। बॉस मेरे विरोध में काम कर रहा है, बॉस ने मेरी प्रमोशन नहीं कर रही अभी तक। हम प्यादों से थक जाते हैं, प्यादों के साथ दौड़कर थक जाते हैं। जॉब नहीं मिल रही, बहुत समय हो गया। मैरिज नहीं हो रही, बहुत समय हो गया। हम प्यादों के सामने घुटने टेक देते, थक जाते हैं। आपको समझना होगा, प्यादों के सामने घुटने टेकने और सरेंडर करने के लिए आप नहीं बुलाए गए, आप घोड़ों के ऊपर जो योद्धा सवार हैं उन पर प्रबल होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपको ठहराया है। हालेलुया। बाइबल बयान करते हैं, उसने मुझे जैवन से भी बढ़के बनाया। आज प्रभु बोल रहा है,
क्या प्रार्थनाएं तुम मेरे सम्मुख लेके आ रही हो, किन चीजों को देख के तुम अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हो। ये प्यादे हैं, मेरी योजना को समझो। शुरुआत में एक ही बात मैंने बोली कि कलीसिया आपको प्रभु के प्लान को समझना है। प्रभु मुझे कहां ले जा रहा है, क्या ठहराया है, क्या रखा है, किस मार्ग में मुझे बढ़ना है। और यदि भी तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा, समझ रहे हो? जो विपरीत चीजें आ रही है उनके साथ तू क्या करेगा? अगर यहीं पे तू थक गया, यहीं पे श्रमित हो गया, यहीं पे घबरा गया, यहीं पे डर गया, यहीं पे तूने आज शक खो बैठी है, प्रभु ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया। प्रभु ने पहले दाऊद को शेरों और भालुओं के ऊपर विजय दिलाना सिखाया। हालेलुया। वो निडरता के साथ, एक भेड़ कोई शेर ले जाता था, वो पीछे भागता था, उनका पीछा करता था, उन्हें मार डालता था, फाड़ डालता था और अपनी एक एक भेड़ को बचा के लाता था। पर वहीं पे जब उसमें वो प्रबल ठहरा, आगे बढ़ा, प्रभु ने गोलियत के ऊपर उसे विजय दिलाई। हालेलुया। आपको समझना है, क्योंकि उसने प्यादे के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि उसने प्यादे के आगे प्यादे के साथ दौड़कर अपना हियाव नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे गोलियत पर प्रबल कराकर इज़राइल का राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया। मैं आपको बोल रहा, जब प्यादे आपको थका ना सकेंगे, आप युद्धों को हराओगे और जश्न मनाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये प्यादों के आगे मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूं, ये प्यादे मुझे थका नहीं सकते, ये प्यादे मुझे श्रमित नहीं कर सकते, ये प्यादे मेरा हियाव नहीं छुड़वा सकते, ये प्यादे मेरे कदम को नहीं रोक सकते। समझ रहे हो? आप एक वॉरियर, एक योद्धा हो, इतने के लिए बुलाया गया। राज एक जरा से प्यादे के आगे सरेंडर कर दिया। हालेलुया। आपको आगे के प्लान में बढ़ना है, प्रभु की योजनाओं को समझना है, छोटी छोटी चीजों को लेके घबरा नहीं जाना, हमें थकित नहीं होना, श्रमित नहीं होना, प्रभु के प्लान में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, थक ना जा, श्रमित मत हो, पर आगे बढ़ता जा। हालेलुया। प्यादों के आगे मैं घुटने न टेकूंगा। बोलो बोलो, प्यादे के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं बढ़ूंगा, योद्धाओं के ऊपर प्रबल होऊंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16 उसका 13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। दोबारा से, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। जागते रहो, अपने पड़ोसी से बोलो, जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, बोलो विश्वास में स्थिर रहो। तीसरा, पुरुषार्थ रहो, पुरुषार्थ। और चौथा, बाइबल बयान करती है, बलवंत हो, बलवंत। हालेलुया। जाग जाना, असलियत में, रियलिटी में जाग जाना। हालेलुया। बहुत बारी हम अपनी
नींद में होते हैं और जागे नहीं होते, इसीलिए असलियत को समझते नहीं है। समझ रहे कि नहीं? हम रियलिटी को समझ और पहचान नहीं रहे होते क्योंकि आंखें खुली नहीं है। हम एक छोटी सी परिस्थिति को एक बड़े पहाड़ के रूप में समझ लेते हैं क्योंकि जाग नहीं रहे, उसकी रियलिटी को पहचान नहीं रहे, असलियत को समझ नहीं रहे कि प्रभु का प्लान क्या है, किन चीजों पे जीतकर आगे बढ़ने का। और हम उस पहली सीढ़ी में, उस पहली विपरीत चीज में हम घबरा जाते हैं। हालेलुया, को समझना और जानना है प्रभु के प्लान को। विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, स्थिर रहो, जानो प्रभु के प्लान को। यहां हारने के लिए, यहां सरेंडर करने के लिए नहीं बुलाया गया मैं आगे, मेरी विक्ट्री बड़ी है, युद्ध बड़े है, विक्ट्री बड़ी है। हालेलुया, मुझे विश्वास में स्थिर रहना है, खड़े रहना है। पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। पुरुषार्थ मतलब इंग्लिश में लिखा है एक्ट लाइक मैन एंड बी स्ट्रॉन्ग। एक्ट लाइक मैन, निडरता के साथ आगे बढ़ो, घबरा ना जाओ। ये क्या हो गया अचानक से? ये खड़े रहो, अड़े रहो, जानो प्रभु के प्लान को, जानो प्रभु ने क्या ठहराया, जानो प्रभु कहां ले जा रहा है। हालेलुया, विश्वास में स्थिर रहो। परिस्थितियां आ रही है, विपरीत चीजें आ रही है, पर प्रभु कह रहा है यर्मिया को, तो यही थक गया, तुम लोग यही थक गए और मैंने क्या ठहराया है तुम्हारे लिए। वो बात कर रहा है विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, जानो प्रभु के प्लान को और विश्वास में स्थिर रहो। पुरुषार्थ बनो, निडरता मतलब निडरता के साथ खड़े रहो, अड़े रहो। आप भाग नहीं जाते एक छोटे से सैनिक को देख के, जबकि प्रभु ने उस पूरे युद्ध को जीतने के लिए बुलाया आपको। हालेलुया, एक छोटे से सैनिक को देख के आप अपने हथियार सरेंडर नहीं कर देते, हार नहीं मान बैठते, आप युद्ध को जीतने के लिए बुलाए गए, आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हो। आप उस बड़े युद्ध को जीतकर जो आपके शत्रु के पास है, उनको अपने पास इकट्ठा करने के लिए, उसको अपनाने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, बलवंत हो, बलवंत हो, स्ट्रांग हो। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इतनी परिस्थितियां, इतनी चीजें, इतने लोग, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सब वो कह रहा है बलवंत हो। मैं आपको बोल रहा हूं, जितनी बड़ी विपरीत सेना है, जितने लोग खिलाफत में आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, जितनी बड़ी सेना आपके खिलाफ है जो आपसे लड़ने के लिए आ रही है, याद रखो, स्मरण रखो, उस बड़ी सेना के पास जो बड़ा धन है या बड़ा किंगडम है, परमेश्वर उन पर विजय दिलाकर आपको वो बड़ा किंगडम देना चाहता है। जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा किंगडम उनका परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, आप समझ रहे हो कि नहीं? एक आर्मी जितनी बड़ी होती थी, ये प्रूफ था कि उतना उनका किंगडम कितना बड़ा है। कितने बड़े राजा इस धरती पे पैदा हुए हैं, अलेक्जेंडर पैदा हुए हैं, हाँ सिकंदर जिसे कहते हैं, उसके बाद मुगल एम्पायर है आया। जितनी बड़ी उनका एरिया था, जितनी हथियार, जितनी चीजें उनके पास थी, उनकी आर्मी के साथ पता चलता था। एक देश कितना स्ट्रांग है उसकी आर्मी बताती है।
अच्छा, हर एक देश अपनी आर्मी पे इतना पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि देश की स्ट्रेंथ आर्मी के ऊपर निर्भर करती है। हालेलुया। आर्मी स्मरण रखो, जितनी आर्मी है इसका मतलब उतना किंगडम, उतना किंगडम। जब शाऊल गया उन जगहों, जब दाऊद गया उन जगहों पे प्रबल हुआ, तो उस सारे किंगडम को उसने अपना लिया। दाऊद जहां पे भी जाता था, वो 66 लड़ाइयां युद्ध लड़ता था, तो जिस राजा के खिलाफ लड़ता था उसका राज्य, उसका किंगडम, वहां की चीजें दाऊद की हो बैठती थी। आप समझ रहे कि नहीं? तो जब वो सैनिक, वो योद्धा, वो शत्रु मेरे विपरीत आ रहे हैं और मैं अड़ा और खड़ा हूं, मैं निडरता के साथ बढ़ रहा हूं, मैंने सरेंडर नहीं किया, आपको बोल रहा हूं आपके बल से नहीं होगा, आपकी समझ से नहीं होएगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उस योद्धाओं पे, आप उस सेना पे प्रबल हो गए यीशु के सम्मति नाम से। प्रभु बोल रहा है सिर्फ अड़े और खड़े रहे, अड़े और खड़े रहे, बढ़ते जा, कदम बढ़ा। हालेलुया। सरेंडर नहीं कर बैठते, छोटी छोटी चीजों को देख के अब घबरा नहीं जाते, मेरे रिश्तेदार मेरे नाल गल नहीं कर रहे, अब प्रभु को त्याग नहीं देते। समझ रहे हो? स्कूल में सबने मुझे बॉयकॉट कर दिया, प्रभु यीशु के कारण मुझसे कोई बात नहीं करता, तब आप हल्के होके हल्के हल्के सैनिकों से आप सरेंडर नहीं कर देते उनके आगे। आपको पता है कि इन छोटे छोटे सैनिकों के आगे मैं सरेंडर करने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बुलाया गया हूं सेनाओं के ऊपर प्रबल होने के लिए, सेनाओं के राज्यों को धारण करने के लिए। हालेलुया। आपको पहचानना है अपने आप को प्रभु के प्लान को जो प्रभु ने ठहराया। छोटी छोटी चीजों को सरेंडर नहीं करोगे। अगर आप पहचान गए प्रभु के प्लान को, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, जब से प्रभु के पीछे चल रहा हूं मेरा बहुत विरोध करते हैं, मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। छोटे छोटे सैनिक आपको हराते नहीं, आपको थकाते नहीं है। फिर अगर आप समझ गए प्रभु के प्लान को, हालेलुया, फिर वो चुगलियों के छोटे छोटे सैनिक आपको घबराते नहीं। आप बताते और चुगली आने दो, और चुगली आने दो, और विपरीत लोग आने दो, और करो और करो। मुझे पता है जितना प्रेशर, जितनी विपरीत चीजें आएंगी, जितनी सेना मेरे खिलाफत में आएगी, उतना बड़ा राज्य परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। इसीलिए मैं डरूंगा और घबराऊंगा नहीं, पर उस प्रेशर को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। और प्रेशर आए, थोड़ा सा इधर से भी आए, थोड़ा सा उधर से भी आए, आप रोओगे नहीं, आप डरोगे नहीं, आप आनंदित होगे ये जानकर प्रभु आपको क्या देने जा रहे हैं। हालेलुया। और आने दो, क्या पाने वाले, क्या आ रहा है ये नहीं, पर वो आना क्या लेके आ रहा है मायने ये करता है। आमेन। निडरता के साथ आगे बढ़ते, अब प्यादों को के सम्मुख, प्यादों के साथ थकते नहीं हो, तब वो घोड़ों के ऊपर, उन योद्धाओं के ऊपर आपको प्रबल कराना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का कलाम अगर आप जान जाओ, उसके प्लान्स को अगर आप समझ, फिलिप्पियों 4 उसका 1। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। जब आप बढ़ रहे हो, विपरीत चीजें आ रही हैं, वो आएंगी, तो प्रभु के नाम से आगे बढ़ रहे हो, चीजें प्रभु के विरुद्ध आपको रोकने के लिए आएंगी।
समझ रही हूं। जब शत्रु की सेना को पता है कि ये सेना हम पर प्रबल करेगी, वो प्रेशर बढ़ाता है। अब समझ रहे हो, जब भी शत्रु की सेना को लगता है कि ये बंदा खड़ा रहेगा और हम पर विजय हो जाएगा, वो प्रेशर बढ़ाता है, वो चीजें बढ़ाता है। पर अगर आप अड़े और खड़े हो, अगर आप मजबूत हो, आप हिले नहीं, आप निडरता से बढ़ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रेशर जितना मर्जी क्यों ना हो, जब अगर आप अड़े और खड़े हो, प्रभु की आत्मा के द्वारा जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हमने पड़ोसी से बोलो स्थिर रहो। इंग्लिश में लिखा है स्टैंड फर्म, ऑनलाइन स्टैंड फर्म, स्थिर रहो, अड़े रहो। छोटे सैनिकों के आगे नहीं, यादों के आगे योद्धा बन ठहराया गया, घोड़ों के ऊपर उन्हें टक्कर देने के। समझ रहे हो, स्थिर रहो, स्थिर स्थिर रहो। हालेलुया। जानो ये बात, जब प्यादों का सामना कर रहे हो, इसका मतलब सही दिशा में हो। हालेलुया। जब प्यादे आ रहे हैं आपके विपरीत, आपको रोकने के लिए, आपको प्रेशर देने के लिए, इसका मतलब सही दिशा में हो, अपराइट डायरेक्शन में चल रहे हो। बस उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में चलते जाओ। आमीन। सेना में कौन आते हैं? पहले प्यादे आते हैं, उसके बाद घोड़सवार, जो योद्धा घोड़सवार होते हैं वो आते हैं। तो मतलब उन तक पहुंचने के लिए, उन पर प्रबल होने के लिए प्रभु पहले आपको वो प्यादों से निकाल रहा है। उन प्यादों पे जब जयवंत होगे, फिर घोड़सवार आ गए हैं, उन पर जयवंत होगे, उसके बाद पूरी सेना पे जयवंत प्रभु कराएगा और वो सारा राज्य आपके हाथों में आपको दे देगा। हालेलुया। बढ़ते जाओ। जब प्यादे आ जाए, जान लो कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं, उन उस राज्य की रजिस्ट्री मेरे नाम वाली दिशा में मैं बढ़ रहा हूं। बढ़ते जाओ, डरो मत, घबराओ मत, मैं सही। ये चीज आप अपने हार्ट में गहराई से समझ लो, तो वो चीजें आ रही है, मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। हालेलुया। शैतान करेगा, जोर लगाएगा कि आप याद छोड़ दो, अब डर जाओ, अब घबरा जाओ, अब पीछे हट जाओ। प्रभु एक ही बात, निडरता के साथ आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ हो, बलवंत हो, विश्वास में स्थिर रहे, अड़ा रहे, खड़ा रहे, चलता जा। हालेलुया। लोग आपको रोकते हैं, प्रेशर करते हैं, बट उस प्रेशर से रुकना नहीं, पर अधिकतर बढ़ना है। अंधा बर्तिमाई हम देखते हैं, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, लोग उसे रोकने लगे, चुप हो जा, मत बोल, वो रुका नहीं, वो थम नहीं गया, वो प्यादों से हार नहीं गया, उसने अपनी आवाज और बढ़ के और ऊंची कर दी, वो आवाज यीशु को सुनाई दी। जब यीशु आया, बाइबल बयान करती है, उसे हील की। तो समझना है, स्थिरता के साथ आपको आगे बढ़ना है प्रभु के प्लान। शैतान आने के लिए आपको सीमित करने के लिए, आपको आपको क्विट करने के लिए मजबूर करेगा वो। प्रभु दे विच वधना शुरू किया, रिश्तेदारों का प्रेशर आन लग गया, पड़ोस दे विच प्रेशर आन लग गया, लोग मेरे विपरीत हो गए, हुण तां मैनूं कोई बुलांदा ही नहीं है। समझ रहे हो, शैतान छोटे सैनिक आपके सामने खड़ा होता है, खड़े करता है,
और बहुत बारी हम उसमें ही श्रमित हो बैठते हैं, उसमें ही थक जाते हैं, उसी में हियाव को छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया, आपको प्रभु की दिशा को, प्रभु के प्लान को जानना होगा। हालेलुया, मुझे थमना नहीं, मुझे श्रमित नहीं होना, मेरा ये एंड नहीं है, इस रोने में मेरा एंड नहीं होएगा, मेरा एंड समझ रहे हो, मैं हर्ष के साथ, उत्सव के साथ, परमेश्वर के किए हुए काम का आनंद हुआ पाया जाऊंगा। हालेलुया, ये चिल्लाहट मेरी रोने की नहीं पर आनंद में बदली जाएगी। हालेलुया, एक ही बात, स्थिर रहो, खड़े रहो, अड़े रहो और आगे की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु के प्लान, प्रभु के जयजयकार करते हो, प्रभु की महिमा करते हो, प्रभु की ओर। हालेलुया, रुक ना जाओ, थम ना जाओ, पर आपको बढ़ना है प्रभु की डायरेक्शन में। हमारा छुटकारा, हमारी जीत प्रभु के डायरेक्शन में है। पीछे भागना हमारा, थम जाना, रुक जाना हमारा खत्म होना है। हमारी जीत प्रभु में आगे बढ़ने में, हमारा पूर्ण छुटकारा प्रभु की दिशा में बढ़ने के लिए। हालेलुया, जब पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुंदर था, प्रभु ने उन्हें एक मार्ग दिखाया, अपनी दिशा उनके लिए तैयार करी, अपनी योजना उनके आगे रखी। उनका पूर्ण छुटकारा प्रभु की योजना में आगे बढ़ने में था। समझ रहे हो कि नहीं? पीछे फिरौन की सेना थी, उन्हें बांधे हुए थी, उनके ऊपर आक्रमण करना चाहती थी, उन्हें मार देना चाहती थी, वो रुके नहीं, थमे नहीं। तब उन्हें क्या कहा? और कूच कर आगे की ओर बढ़, प्रभु के प्लान में जा, रुक ना जा, थम ना जा, श्रमित थक मत हो, श्रमित मत हो, थक मत जा, आगे बढ़, प्रभु की दिशा में चल। जब उन्होंने कूच किया, वो आगे बढ़े, बाइबल बयान करती है, मूसा ने कहा, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो, इसके बाद फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, जब आप आगे बढ़ते हो, आपके शत्रु अपने आप गायब हो जाते हैं, पर आपका आगे बढ़ना, प्रभु आपको प्रबल कराता है, आपका प्रभु की दिशा में बढ़ना, रुकना नहीं पर प्रभु की दिशा में बढ़ना। मेरा पूर्ण छुटकारा, मेरी विक्ट्री, मेरी जय आपको समझना होएगा मेरे आगे बढ़ने के बीच, मेरा उस लाल समुंदर के बीच में से जाना है मेरी विक्ट्री का स्थान। हालेलुया, याकूब एक, उसका 2-4, याकूब की पत्री 1:2-4। हे मेरे भाइयों, अब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, क्या तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े? हाँ, ये प्यादे आ रहे हैं, कोई यहां से कुछ कर रहा है, कोई यहां से कुछ कर रहा है, अब डर नहीं रहे, अब घबरा नहीं रहे, अब आनंदित हो, प्यादे आ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही दिशा में हूं, मैं बढ़ रहा हूं, इन पर प्रबल होके मैं योद्धाओं की ओर जा रहा हूं, घोड़ों की ओर जा रहा हूं, उन पर प्रबल होने के लिए, उन पर जीतने के लिए मैं सही दिशा में। अब आनंदित होते हो, धन्यवाद प्रभु,
मैंने शुरू करी और मैं प्यादों तक पहुंच गया हूं। प्यादे जब आए, याद याद करना आप राइट डायरेक्शन में, पर आपने प्यादों के आगे थकना नहीं है, आप प्यादों के ऊपर जयवंत होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तुम पढ़ो इन नाना प्यादा ज्यादा होंगे, हाँ, पर डरना और घबराना नहीं है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। से लड़ना आपको वार्म अप करता है घोड़ों के योद्धाओं से लड़ने के लिए। हालेलुया। वार्म अप, आपकी तैयारी। तो जब ये प्यादे आ रहे हैं, ये मुझे हराने और या मार गिराने के लिए नहीं है, ये मेरे वार्म अप के लिए। बॉडी ओपन अप हो रही है इनको लड़ने के लिए। क्यों? मेरा एंड यहां पे नहीं है, ये सिर्फ वार्म अप के लिए है। मुझे योद्धाओं के ऊपर प्रबल होना है और वो राज्यों को धारण करना है जो उनके पास है। हालेलुया। तो मैं इन प्यादों के सामने श्रमित नहीं हो जाता। अब जानते हो रियलिटी को, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु ने मुझे देना क्या है, कहां ठहराया है, कहां जान। हालेलुया। स्थिरता के साथ खड़े रहते हो आप, अड़े रहते हो, ये नहीं इनके सामने सरेंडर करना। नहीं, प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं ठहराया, इसीलिए नहीं बनाया, इसीलिए अपनी मां के गर्भ में नहीं डाला। मैं योद्धाओं के ऊपर प्रबल होने के लिए बुलाया गया हूं, ठहराया गया और होऊंगा यीशु के सामर्थी नाम से।